So hi friends, we are on our road trip from Ranchi to Delhi. This is our return journey, and this journey we have divided into three parts. First, from Ranchi until Rajgir. The second day we stayed in Rajgir just to do a bit of sightseeing. थोड़ा राजगीर घूमना चाहते थे. राजगीर में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, राजगीर और नालंदा, तो वो हम घूम के देखना चाहते थे. On day 3, we started from Rajgir to Varanasi, and उसके बाद वाराणसी में we will be doing a night stay. Next morning, we will again hit the road and we will be reaching Delhi. Varanasi to Delhi will be the last stretch of our journey. आज हमारा आखिरी दिन है रांची में. Here we are crossing Nucleus Mall. ये एक नया मॉल बना है रांची में. Quarter to 9 in the morning. We started off at 8:30. So Rajgir is another 6 hours 11 minutes. We may reach by 3 in the afternoon. Stay connected. We will keep you posted. How is the road condition? कौन सा रूट ले सकते हैं? यहाँ पे लग रहा है ऐसा कुछ साइकिल मैराथन में ऐसा कुछ हो रहा है. So we have taken a left. आगे रामगढ़ 25 किलोमीटर, हजारीबाग is another 80 किलोमीटर्स. So बड़ी से सीधे चलेंगे, देखते हैं. We are still on the fastest route as per GPS. अभी हम क्रॉस कर रहे हैं उरमांझी. ये रहा फेमस मधुबन विहार. ये एक रेस्टोरेंट टाइप से है. The condition of the road is really good. There are no patchwork, nothing. I'm cruising at 80, 85, 90 kilometers per hour. If you can see on both sides, there are trees. The best part of Ranchi is its weather. आज के डेट में भी जैसे ही शाम होती है, most of the days in summers you will find 3:30 बजते ही बारिश हो जाती है, एंड द इवनिंग इज अगेन प्लेजेंट. अगर आप कभी रांची आए नहीं है, सो यू शुड विजिट रांची वंस. बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. घूमने के बहुत सारे जगह है. नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक बेतला. यू कैन ऑल्सो विजिट द नेतरहाट. देर इज ऑल्सो टैगोर हिल, जहाँ कभी रविन्द्रनाथ टैगोर हैड स्पेंड टाइम. टोल विच वी क्रॉस वॉज पुंदाक टोल प्लाजा. आगे 6.5 किलोमीटर का लिखा हुआ है कि खतरनाक घाटी है. द बेंच आर नॉट दैट मच शार्प. जो सेलम से ऊपर हम एयरकार्ट चढ़े थे, वहाँ पे अराउंड 19 या 20 हेयरपिन बेंड्स थे. यहाँ पे इतने ज्यादा शार्प नहीं है, बट स्टिल ये हम पहुंच गए रामगढ़ लेफ्ट लेंगे तो रामगढ़. यहाँ हम रुके हैं थोड़ा सा भी ब्रेकफास्ट के लिए. वी आर ऑन द हजारीबाग एक्सप्रेसवे. जस्ट हैड अ ब्रेकफास्ट. राजगीर इज अनदर 190-194 किलोमीटर्स. और आप देख सकते हो दोनों तरफ ये कोयला है. इट्स ऑल कूल. और दिस प्लेस इज फेमस फॉर द कोलियरीज, द कोल माइंस. सो वी आर क्रॉसिंग द हजारीबाग टोल प्लाजा. बरही इज अनदर 2 किलोमीटर्स. हम वाराणसी वाला रूट नहीं लेंगे, हम सीधा पटना वाला रूट लेके चले जाएंगे. पता नहीं रास्ता कैसा होगा.
हम रांची पटना रोड पे हैं अब। ये रास्ता सीधा पटना को जाती है। सो ये आई थिंक हम लोगों ने गलत रूट ले लिया है, ये पटना वाला रूट लेके गलती कर दी। ये रोड तो लग रहा है कि भाई आज से 20 साल पुराना रोड है। ये क्या खा रहे हो? ये तो ठीक क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो दिखाओ। तो हम कोडरमा पार कर चुके हैं, रास्ता पहले से थोड़ा बेहतर है, मतलब 30-35 की स्पीड से चल रहा है, पहले तो वो और भी कम था। अभी जस्ट हमने नवादा क्रॉस किया, टाइम हो रहा है 2:10। इफ यू आर गोइंग टू राजगीर प्लीज डोंट टेक दी पटना रांची पटना रोड, दैट्स रियली बैड। It's better to take the route through Varanasi, मतलब वाराणसी वाला route जिसमें आप वो चौपारण होके जा सकते हैं, वो टोल रोड है, that's still better। वहाँ से राइट होके आप गया होके निकल जाइए। होटल नागेश्वर पैलेस राजगीर, दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग फॉर टुनाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स डे टू। अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं राजगीर के साइड सीन करने के लिए। ये दिस इज द मेन रोड। ये है एंट्रेंस विश्व शांति स्तूप का। छोटा सा सीट है, इसी में आपको बैठ के जाना है। The entire duration of this trip will be 7.5 minutes one way. It's really thrilling. So guys, we have reached on top of Rajgir Ropeway. We are right now on top of Ratnagiri. On my back, if you see, that's Udaygiri. Right in front of us, this is Shanti Stupa. The Shanti Stupa is 160 feet high. There they are. Hey, Tintin! ये वो जगह है जहाँ पर जरासंध और भीम का युद्ध हुआ था। ये देखिए ये हुआ। अब ये जो बीच का भाग है ये देखिए पूरा पैर का है ना, इधर से लीजिएगा तो पूरा पैर का है। ये पूरा पैर है ना? हाँ, वही की स्ट्रेंथ में देखिए वहाँ ये किसका? भीम और जरासन।
So we have reached Sonu Bhandar. So we are now heading towards Japanese temple. Yeah, Japanese temple ka entry. This is the statue inside. Not sure what's written out here. Something in Japanese. We are heading towards Nalanda University, the old Nalanda University, or the remains of the Nalanda University. So it's another 10 kilometers. कल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जी, लोग अंदर जाते थे बाहर आते थे नमस्कार करके। ये आपका ओरिजिनल दीवार है, बाद का है। जो बाद का है सर उसमें सीमेंट दिखाई पड़ रहा है, ओरिजिनल वाला लगता ही के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना सूखी माटी बेल का रस गुड़ और नया है पुराना। फिर भी जी सर, जो नया है वो पुराना, जो पुराना है वो नया लग रहा है, इस ओल्ड इज वही तो दिख रहा है। अब हम एक हॉस्टल के असर आ गए, हर हॉस्टल में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था। एक हॉस्टल में कहा ये दो बाथरूम स्नान जहाँ लोग कुआं से जल ला के देखिए।